हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिमिलर ट्रायंगल्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर देता हूं और इन क्वेश्चन को थॉरली प्रिपेयर करके जाना। ये क्वेश्चन एज इट इज और इससे मैच करते हुए मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि लाइन बी क्यू पे बी क्यू ए बी परपेंडिकुलर है, इसका टॉप इसके बॉटम से ज्वाइन किया, इसका टॉप इसके बॉटम से ज्वाइन किया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैंने फिगर में मार्क कर दिया सब परपेंडिकुलर है। अगर इसकी लेंथ x यूनिट है, इसकी लेंथ z यूनिट, इसकी लेंथ y यूनिट, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है 1 upon x is equal to 1 upon y plus 1 upon z। तो इसके अंदर सिमिलैरिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को समझ लें कि आपको पहले x और y में रिलेशन बताना है, देन x और z में रिलेशन बताना है और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। जैसे एक्स और वाई में रिलेशन बताने के लिए हमें ट्राइंगल क्यू एम एन सिमिलर क्यू ए बी करना पड़ेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ट्राइंगल क्यू एम एन सिमिलर ट्राइंगल क्यू ए बी। और उसका रीजन क्लियर है कि दोनों में ये एंगल कॉमन आ जाएगा, इधर इसके पास ये 90, इधर ये 90, तो मैं शॉर्ट में ये भी लिख दूं बाय डबल ए। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अगर सिमिलर हो गई तो इनकी प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज छोटी ट्रायंगल के अंदर x है तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर y है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू, देन इस स्मॉल ट्रायंगल में साइड एन क्यू है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल में साइड बी क्यू है, तो वी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली अब एक रिलेशन बनाना है x और z में, तो ऑब्वियस है अब के बाद इधर आना पड़ेगा, तो आई विल राइट ट्रायंगल बी एम एन सिमिलर ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू अगेन बाय डबल ए। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा पर मैं अभी आपको सिर्फ ओरली बता देता हूं बाय डबल ए कैसे है कि इस ट्रायंगल के पास भी ये एंगल है और बड़ी ट्रायंगल के पास भी ये एंगल है, देन स्मॉल ट्रायंगल के पास 90 डिग्री है और बड़ी ट्रायंगल के पास ये 90 डिग्री है, तो वी राइट बाय डबल ए दे आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो इनकी भी प्रोपोर्शनलिटी लिखी जा सकती है स्मॉल ट्रायंगल में x एंड लार्ज ट्रायंगल में z। अगर लिखा है x अपॉन z तो स्मॉल ट्रायंगल में bn और लार्ज ट्रायंगल में bq, तो वी गेट टू इक्वेशंस। समरी आपको मैंने पहले बता दी, एक बार इसका इससे रिलेशन, एक बार इसका इससे रिलेशन, देन वी विल राइट एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू। एड करने में LHS में LHS एड हो जाएगी, RHS में RHS, तो वी विल राइट x अपॉन y प्लस x अपॉन z इज इक्वल टू nq अपॉन bq प्लस bn अपॉन bq। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो I take x as common, remainder will be 1 upon y plus 1 upon z। और इधर आप देखोगे तो BQ कॉमन है तो BQ इज टेकन एज LCM, देन ऊपर बचेगा NQ प्लस BN, तो NQ ये और BN मिला के होगा BQ, तो आई विल राइट BQ अपॉन BQ, तो आई कैंसल BQ विद BQ, रिजल्ट इज 1। अब इसमें ये है x इंटू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 और x यहां पर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड होगा, ये यहीं रहेगा, प्रिंसिपल ये है कि यहां जो मल्टीप्लाइड है उसे जाके डिवाइड होगा, तो देयरफॉर वी कैन राइट 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड इट इज द फाइनल प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमारे पास टू प्रूफ था और इस क्वेश्चन में प्रूव हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद आपने अपने प्री बोर्ड में या किसी और स्कूल की वर्कशीट में असाइनमेंट में क्वेश्चन जरूर देखा होगा। सेकेंडली ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार अपियर हो चुका है। इसमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, एम सी डी का मिड पॉइंट है, बी एम को ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया जो ए डी प्रोड्यूस को ई पे मीट करे और प्रूव करना है ई एल यानी ये पार्ट इज इक्वल ट्वाइस ऑफ बी एल। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पहले एक बार कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, उसका सीपीसीटी लेना पड़ेगा एंड देन सिमिलैरिटी करनी पड़ेगी, इतना तो दिमाग में पाथ माइंड में पाथ सेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है ट्राइंगल वी विल राइट इन ट्राइंगल बी सी एम बी सी एम एंड ट्रायंगल ई डी एम, तो इन दो ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये और ये एंगल, मैंने पहले BCM लिखा तो BCM में 1 है और उसके पास 2 है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। देन अगर BCM में मैं इसे डबल मार्क कर दूं, लेट अस एंगल 3, तो इधर एंगल E भी है, ये ऑल्टरनेट है क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है तो लाइन तो पैरेलल है ही, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल एंगल साइड के वो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। तो आई विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल E, सामने रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड देन CM इज इक्वल टू DM, इसका रीजन आएगा गिवन, क्योंकि आपको दे रखा था M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, देयरफॉर बाय AAS, ध्यान रखना सीक्वेंस वाइज एंगल एंगल साइड वैसे ही लिख के दिखाओ जो आप यूज कर रहे हो, बाय AAS ट्रायंगल BCM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDM। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका CPCT लिया जा सकता है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE एज CPCT, दैट इज ये और ये CPCT में ले लिया, बट BC AD के इक्वल भी है, बट BC इज इक्वल टू AD बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं ये कहूं ये पार्ट इसके इक्वल भी है और ये पार्ट इसके इक्वल भी है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंप्लीकेशन ये है कि AE इज डबल ऑफ BC, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, टोटल हो गया 2x, तो AE इज ट्वाइस ऑफ BC। अब इसके बाद आपको लिखनी है सिमिलैरिटी, देन इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल, अगर ALE लिखा है तो CLB लिखा लिखना पड़ेगा, CLB। तो इन दो ट्रायंगल के अंदर आप ये और ये लेट अस से 4 एंड 5 वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हो, 4 एंड 5, और एक एक ये एंगल पहले से इक्वल है तो मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको समझा दिया कि इस ट्रायंगल में ये और ये वर्टिकली अपोजिट और ये ऑल्टरनेट, तो आई डायरेक्टली राइट बाय डबल ए ट्रायंगल ALE, ये सिमिलर ट्रायंगल CLM या CML एक ही बात है CLM। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी प्रोपोर्शनलिटी लिखी जा सकती है, जैसे अब इसमें BC है 5 के सामने, उसके सामने AE है, AE इज इक्वल टू, ये अनमार्क्ड एंगल है, तो अनमार्क्ड में इधर भी एक अनमार्क्ड है, इसके सामने BL है तो उधर भी एक एंगल अनमार्क्ड है, उसके सामने EL है, और थर्ड साइड की लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज नीड नहीं है, इन दो से ही हमारा काम हो जाएगा। अब हमने ये प्रूव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनैलिटी, अब इसे अगर यूज करें तो AE और 2BC बराबर हैं, और BC अपॉन 2BC सामने लिखेंगे बाय यूजिंग रिजल्ट 1, ये इज इक्वल टू BL अपॉन EL, BL अपॉन EL, और B से BC कट करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो therefore we get EL is equal to 2BL and hence proved। और ये usually 4 और 5 marker question है, इसको सही तरीके से present करोगे तो full marks मिलेंगे, otherwise deduct होंगे ही होंगे अगर आपने properly इसको present नहीं किया। तो मेरी हर वीडियो में emphasize यही है कि आपको board में प्रेजेंटेशन जरूर सिखा दूं कि किसी क्वेश्चन को लिखने का मेथड क्या है, आप उसको आधा अधूरा लिख के आओगे सामने रीजनिंग छोड़ोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, तो ये गलतियां आप ना करें जो आपको सिखा रहा हूं, आप उसी तरीके से प्रेजेंट करना सीख लें। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों तो मेरी वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको सारा सिलेबस मेरे इसी चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का 9th का और 10th का इजीली कवर्ड मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।